सुशांत सिंह राजपूत और भूमि पेडनेकर की फिल्म सोनचिरिया बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। ये 1 मार्च को रिलीज हुई थी फिल्म और अब तक केवल 4.5 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। बता दें कि सोनचिरिया ने जबरदस्त प्रशंसा तो हासिल की, लेकिन दुर्भाग्य से ये फुटफॉल और नंबरों में ही परिवर्तित रह गई। दिन 2 और 3 में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन सप्ताहांत कुल बहुत कम रहा। शुक्रवार को इस फिल्म ने केवल 1.5 करोड़ ही कमाए। कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को सिर्फ 1 करोड़ ही कमाए हैं, जिसके बाद शनिवार को फिल्म सिर्फ 1.5 करोड़ तक ही पहुंच पाई है और उसके बाद संडे इस फिल्म ने केवल 2 करोड़ ही कमाए हैं, यानी कि कुल इस फिल्म ने 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। बाकी भूमि और सुशांत के अलावा फिल्म में मनोज बाजपाई, रणवीर शौरी और आशुतोष राणा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। लेकिन सोनचिरिया इस साल की पहली एक ऐसी मूवी है जो सबसे ज्यादा धीमी रफ्तार में चल रही है।